Hello. Good afternoon, all of you. My name is Shehbaz Mania. Sir, my question to you is, 2013 से जब सिलेबस चेंज हुआ तो 13 से 15 तक प्रीलियम का पैटर्न अलग था और 17-18 में पैटर्न अलग था. तो सर, आपका जो अटेम्प्ट है दोनों भी वो 17 और 18 के हैं. तो आपने पहले इसका अटेम्प्ट ना देते हुए ये दोनों से कोप अप कैसे किया प्रीलियम्स? मतलब सडन चेंज था पैटर्न में तो, और आपने दोनों भी प्रीलियम्स क्लियर किए हैं, तो सर प्रीलियम्स के ऊपर थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए. थैंक यू. सी, 17 और 18 का प्रीलियम्स का पेपर पैटर्न अलग था, लेकिन वन थिंग इज दैट कि वो सबके लिए अलग था. जो 4 साल से प्रिपरेशन करिए उनके लिए भी और जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए भी. सो यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि जो अनसर्टेनिटी है दैट इज़ पार्ट ऑफ UPSC, इट्स अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो अगर इफ़ यू हैव नोटिस 17 का मेंस का पैटर्न भी अलग था कंपेयर टू 16. सो दिस इज जस्ट टू गिव यू अ लेवल प्लेइंग फील्ड. UPSC का ये चीज़ है कि इट विल ऑलवेज इक्वल द अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन. तो सीनियर और फ्रेशर्स के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए दे गिव दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी. वन थिंग मेक श्योर, 17 का पेपर पैटर्न अलग था, 18 का तो कंप्लीटली अलग था, 19 का वी डोंट नो कि कैसा होगा. सो योर प्रिपेरेशन शुड नेवर गेट चेंज्ड. आपका जो ट्रैक है जिसमें आप स्टेटिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस हिसाब से कर रहे हैं फॉलो द सेम, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग द सेम. एंड वॉट एवर द चेंज विल बी देयर इन UPSC विल बी इक्वल फॉर ऑल. वहाँ पे आपका जो ऑफिसर वाला एटीट्यूड है नई चीज़ों को कॉप अप करना और नए चैलेंजेस को फेस करना, जो आप ऑफिस में बैठ के हर रोज हर घंटे करेंगे वो UPSC में करना है, राइट? तो पेपर पैटर्न चेंज होगी, दैट विल नॉट मेक दैट इम्पैक्ट जितना आप उसको दिमाग से लेंगे, बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग द क्वेश्चन पेपर फॉर द फर्स्ट टाइम, हु एवर इज सिटिंग फॉर द UPSC प्रीलिम्स. तो पेपर पैटर्न नया हो या आउट ऑफ द बॉक्स हो, इट इज़ फॉर एवरीवन. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेन्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था डीकॉलोनाइजेशन ऑफ मलय पेनिनसुला. पीपल गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि इतना कॉर्नर क्वेश्चन क्यों पूछा गया. आई वॉज हैप्पी कि कॉर्नर है, किसी को भी नहीं आता होगा, सो रिलेटिवली आई एम सेफ. UPSC इज ऑल रिलेटिव, यू नो. तो अगर प्रीलिम्स का पेपर टफ है सबके लिए टफ है, अगर कॉर्नर से क्वेश्चन पूछे गए सबके लिए पूछे गए. सो यू शुड नेवर वरी अबाउट वॉट UPSC विल ब्रिंग टू ऑन योर टेबल, यू शुड ऑनली वरी अबाउट हाउ मच यू वॉन्ट टू ईट फ्रॉम दैट, राइट? सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज पार्ट ऑफ द एग्जाम, प्रीलिम्स में भी है, मेन्स में भी है, एंड UPSC इंटरव्यू में तो सबसे ज्यादा है. वाई टू वरी अबाउट दैट विच इज नॉट इन अवर हैंड? वॉट इज इन अवर हैंड? प्रिपेरेशन, स्टेटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स, गिव योर 100% टू दैट, दैट्स ऑल. क्लियर? या, थैंक यू. थैंक यू. Any more questions? Please raise your hand if you have any. All right, thank you very much. Okay, we have one more question behind. We have the question. Yeah. Good afternoon and congratulations, Mr. Safin, what you have achieved in your life. Mera question ye hai, इफ आई वॉन्ट टू मेक माई फ्यूचर जनरेशन IAS, और आज के मैं हालात देखूं और आज की चीजें देखूं, तो क्या वो पॉसिबल है वो चीज चेंज होना, जो आप लोग बोलते हैं कि यू हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी एंड यू हैव टू थिंक द चेंज द थिंग्स. मैं आप तीनों से कैन यू प्लीज फोकस ऑन दिस आज के हालात. व्हाट डू यू मीन बाय दिस आज के हालात? 5 साल पहले ऐसा हुआ कि माई सन वॉज डूइंग साइंस और किसी ने मेरे को बोला, सम वॉज वर्किंग विथ IAS इंस्टीट्यूट, दे वर ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स. तो उन्होंने बोला, व्हाई डोंट यू मेक योर सन IAS ऑफिसर? तो मैं बोला, आई डोंट वांट टू मेक माय सन IAS ऑफिसर. द रीज़न इज कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, कल अगर वो रिश्वत खाए और कल वो चीज़ अगर ऊपर से फ़ोन आता है और वो चीज़ नहीं हो सकी उससे और वो गलत काम करने लगे, तो मैं उसको वो चीज़ में क्यों डालूँ? सर, पहले तो मैं कहूँगा कि आपने कहा कि आज के हालात, सर हालात हमेशा ऐसे ही रहे हैं. अगर आप किसी का भी समय लें, किसी बड़े शख्सियत को उठाएं, पैगंबर को उठाएं, तो पैगंबर वो बने ही इसीलिए क्योंकि उन्होंने हालात का सामना किया. अगर हालात अच्छे होते तो पैगंबरों को आने की ज़रूरत ही क्या थी सर. अब आपका बेटा ये डिसाइड करेगा
देखिए इन साहब ने इतनी बातें कही, इन्होंने अपनी बातों में आंसर दिया। एक आम आदमी की पूरी जिंदगी दर्द से भरी हुई है, बस वो आम है। एक महान आदमी की पूरी जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। ये जो आपने शब्द यूज किया ना हालात, सर हालात से ही तो लड़े राम, मोहम्मद साहब। आप मोहम्मद साहब का टाइम देखिए, आप मोहम्मद साहब का टाइम देखिए सर, पहली चीज। दूसरी चीज सर ये है कि हालात, अब जैसे हम तो, मैं तो हिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं तो हमेशा एग्जांपल वहीं से उठाता हूं। 1398 तैमूर हिंदुस्तान आता है, तबाही मचाता है, सब कुछ खत्म कर देता है। 1398 से लेके 1556 सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, आप समझ लो 150 साल हिंदुस्तान की हालत खराब, सब कुछ तहस नहस। और उस परिस्थिति में सर 1556 में एक 15 साल का लड़का गद्दी पे बैठता है, अकबर। सर हालात देखो आप, हम नाहक में उसे ग्रेट नहीं कहते सर, हम ग्रेट सिर्फ इसलिए कहते हैं कि भाई तुमने इस हालात से तुम निपटे कैसे। एक आदमी कह रहा है मेरा पड़ोसी मुझे गाली दे रहा है, सबके देते हैं, दुनिया में कौन सा पड़ोसी जो किसी को गाली ना दे। और अगर ऐसा है कोई तो आप बताइए, मैं तो मिलूंगा उस आदमी से। लोग कहते हैं मेरे रिश्तेदार मेरे पीछे पड़े, रिश्तेदारों का काम ही है और क्या करें वो, कि मेरे खाला ने हमको डिमोरलाइज कर दिया कि इतना बड़ा सपना देख रहे हो आईएएस बनने का। अरे कुछ पहले कर लो, अपने माँ बाप की स्थिति देखो सर, काम ही है सर। फ्रेंड आपका आ गया, उसने कहा अरे यार आईएएस बनने जा रहे हो, अच्छा ये सीधे हमला कभी नहीं करते, ये इनडायरेक्टली करते हैं। मेरे पास एक लड़की आई 4 दिन पहले, उसने कहा सर मेरे पापा बहुत परेशान है, हमसे करे वापस आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, अपने पापा को बोलो मुझसे बात करे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ बताइए, तो बोले ऊर्जा साहब हमें बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कैसे बताइए हमें आप, बोले हमारे पड़ोसी बता रहे थे कि दिल्ली बड़ी ऐसा ऐसा कांड हो गया, बीच में कांड हो गया था तो काफ़ी फेमस था, एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हो गया था, उसकी हत्या हो गई। मैंने कहा सर इंदिरा गांधी मार दी गई सर, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थी, आप खुदा बन रहे हो सर, बचा लोगे, ले जाओ सर। हिस्ट्री ने जिसको भी ग्रेट कहा सर, 51 साल की कैरियर में उस आदमी ने तौहीद इलाही, आज हम, मैं तो यूपी का हूँ, इलाहाबाद का नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, लेकिन कभी अगर मेरी मुलाकात हमारे ऑनरेबल सीएम से होगी तो मैं उनसे बोलूँगा सर इलाहाबाद का नाम तो उसने कभी चेंज ही नहीं किया सर, उसने चेंज ही नहीं किया सर। प्रयाग आज भी वहां मौजूद है, प्रयाग स्टेशन, आप कभी इलाहाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे वहां 2 स्टेशन है, एक इलाहाबाद स्टेशन है एक प्रयाग स्टेशन है, तो प्रयाग तो वहां आज भी है सर। इलाहाबाद इज अ मीटिंग ग्राउंड, जैसे मैंने आगरा के बारे में आपको बताया, तो इलाहाबाद में 2 नदियां आके मिलती हैं, यमुना और गंगा, तो आप पूरी नॉर्दर्न इंडिया उस नदी से कवर कर सकते हो, तो वो बेसिकली एक मिलिट्री बेस है सर। आप कभी इलाहाबाद जाओगे तो आप देखोगे गंगा के किनारे वो किला बना हुआ है, आर्मी स्टेशन है। उसने सर पहली बार हिंदुस्तान में, दूसरी बार, पहली बार हर्षवर्धन ने कराया, उसने सारे संतों की मीटिंग कराई सर। ये जो आज आप कुंभ देखने जा रहे हो इसकी शुरुआत हर्षवर्धन ने की। तो सर टैलेंट ही इसी चीज का है, मालिक ने हमें तोहफा दिया, मैंने आपसे कहा मन, तो वो कहता है कि अब ये दे दिया। 1453 मुसलमान दुनिया की ऊंचाई पे, स्पेन, चाइना सी, कैस्पियन, हिंदुस्तान, यहूदी जमीन पे। सर आज आप देखो यहूदी दुनिया में ऊंचाई पे, मुसलमान जमीन पे, क्योंकि एक चीज मिस कर गए वो, कि हमें समय को समझना है सर। यही तो टैलेंट है, यही तो हिस्ट्री, हिस्ट्री मुर्दों को क्यों छेड़ेगी। उमर साहब थे खैलिफ, आप देखो पुराने जितने भी कैलिफों, आप जो आज अमेरिका में डिपार्टमेंट है रॉकफेलर, वो कहां से आया सर, बगदाद से। उस डिपार्टमेंट को किसने बनाया था, कैलिफ अल हारून ने, उस डिपार्टमेंट का नाम था बैतुल हिकमत। दुनिया के सारे विद्वानों को बगदाद बुलाया जाता था। मैंने तो मास्टर ब्लास्टर सचिन का नाम सुना, आज मैंने मास्टर ब्लास्टर सैफिन को देखा सर, आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल बैठा हुआ है सर। यही तो आपने अपने बेटे को गलत मना किया सर। सर मैं माफी चाहता हूं, आपको नहीं करना चाहिए था सर, क्योंकि तब आपको समझ में आता वो टैलेंट जो है ना सर, हो सकता है आपके बेटे के सामने लग जाता द ग्रेट,
आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं सर, हो सकता है वो बंदा उस चीज, यही तो चुनौती है सर। मैं एक जगह क्लास लेने गया, मैं अब हिस्ट्री मुझे पढ़ाना है सर, तो और मुझे यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ाना है। उन्होंने मुझसे कहा, ओझा साहब आपने मुगलों की बड़ी तारीफ कर दी। मैंने कहा, सर मैं थोड़ी करता हूँ, इतिहास करता है सर। बोले, नहीं नहीं आपने कुछ ज़्यादा ही कर दी। अरे मैंने कहा, किसकी कर दी सर? मुगल मेडिवल इंडिया हमारा, एक कम्युनल दंगा नहीं हुआ सर। एक क्लास में 100 से ज़्यादा लोग बैठे, मुझे एक दंगा बता दो जब मध्य मेडिवल इंडिया में कोई दंगा हुआ। हुआ ही नहीं सर। इल्तुतमिश मौलानाओं का एक डेलीगेशन उससे मिलने के लिए आता है, इम्प्लीमेंट डेथ और इस्लाम इन हिंदुस्तान, उसका गुरु है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आप दिल्ली जाओगे तो देखोगे कुतुब मीनार, वो उसी की है, काकी साहब के नाम पे है। सूफी आदमी कुतुबुद्दीन ऐबक मिलने गया काकी से, कहा कि सर ये हमारे जो धार्मिक लीडर हैं ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं। उसने पूछा कि ये जो क्राउन रखे हो सर पे कितने का? कहा 5 करोड़ का। कहा ठीक। और मौलाना साहब? बोले 10 रुपये का। तो एक कांस्टेबल भी कैप पहनता है, एक सब इंस्पेक्टर भी पहनता है, एसपीसीटी भी पहनता है, लेकिन हर कैप की एक वैल्यू है सर। वो वैल्यू उसकी थॉट प्रोसेस को डिफाइन करती है। संत अलग है सर, उनको बीच में मत लाइएगा, वो तो कुछ नहीं पहनते। उसने कहा, तो तू 5 करोड़ के हिसाब से सोच, 98% नॉन मुस्लिम, हम 2% हम इन पे शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। यही हमारी ताकत है। अगर तुमने इनके धर्म पे हाथ रखा, ये 98 एक हो जाएंगे। और अगर ये 98 एक हो गए, मैं तो कन्वर्ट हो जाऊंगा, मैं तो यूनिटी ऑफ गॉड में बिलीव करता हूं। सर दास था वो स्लेव, इल्तुतमिश का जीवन स्लेव से शुरू हुआ सर। उसकी बेटी, 50 बेटे थे सर, 50। ग्वालियर में मार हो गया वो, उसने अपने बेटों को खत लिखा कि आओ मेरी मदद करो, कोई नहीं गया। कि मान लो अब्बा वहां मर गए तो यहां दूसरा भाई कब्जा कर लेगा। उसकी बेटी गई सर, रजिया, उसने कमांड ली अपने हाथ में, ग्वालियर के राजा को हराया सर, ग्वालियर पे कब्जा किया। उसने ग्वालियर में अपनी बेटी का राज्याभिषेक कर दिया, 13वीं शताब्दी का मुसलमान। उसने ग्वालियर में, उसने कहा मेरे बाद मेरी बेटी। नहीं सर, ये मास्टर ब्लास्टर हमारा, आपसे अभी आपने शायद सुना नहीं इसको कायदे से। इसने कहा आपको दूसरों को नहीं सुनना सर, आप अपने बेटे को सर फिर से भेजिए, हो सकता है वो भारत को दूसरा अकबर मिल जाए। आज तो सर हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है ना सर। मैंने क्लास में कहा शुरुआत में जब बोल रहा था, मैंने कहा सच सैफिन से मेरा एक अलग लगाव है, सोच सोच, पढ़ने से कुछ नहीं होता। तोतों को भी सिखाते राम राम, पर कोई तोता आज तक अरहत हुआ? नहीं हुआ। मालिक की सबसे बड़ी गिफ्ट यही है सर। तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने साहबजादे से कहें कि आप जो करना चाहें आप करें, दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी सर। मैंने तैफ का एग्जाम्पल दिया था क्लास में, आज दुनिया का दूसरी जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है वो मोहम्मद साहब की फॉलोवर है सर। चुनौतियों से जो लड़े वो हीरो, और चुनौतियों को जो दर्द कहे वो आम आदमी। सर कुछ और कहें? थैंक यू सर। आई जस्ट एड वन थिंग, ये सबके लिए है, एस्पिरेंट्स के लिए भी है। इन एवरी हालात वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, या तो हालात से लड़ना है या हालात से डरना है। यू हैव टू चूज योर ओन। और सेकेंड थिंग, मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछा था सर, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन आई वॉन्ट टू से दिस पीपल, किसी ने मुझे मैसेज किया कि किसी एक स्टेट में कोई एक सिटी का नाम बदला जा रहा है, आप उस पर क्या कमेंट देंगे? आई सेड, जिस दिन तुम्हें उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, उस दिन वो भी बंद हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई अंडरस्टूड कि आपकी, आपका जो रेफरेंस है वो वैल्यू सिस्टम पे है। सी सी, देर आर सर्टेन ऑफिसर्स जो आज भी उनकी वैल्यू सिस्टम को लेके चल रहे हैं। ओके, तो केसेस तो होंगे, सिस्टम है, उसके लूपहोल्स है, उसको लोग यूज भी करेंगे। आपका कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता अगर आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है,
Article 311 of the Constitution gives the highest level of security to any civil servant working in government of India or state government. लेकिन अगर आपकी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है जो उनके हाथ में आ गया देन यू कैन बी प्लेड विथ. सो इफ यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट योर रोल योर जॉब योर ड्यूटी एंड यू आर अवेयर कि आपको कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है नो बडी कैन इंटरफियर इन योर लाइफ. दिस इज़ वेरी क्लियर. सो अगर उनके साथ कुछ होता भी है कहीं ये फ्रेम भी करते हैं लेकिन सत्य है तो जीतेगा. दीज आर सम वैल्यूज विच कैन नेवर बी यू नो मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड. यस थैंक यू. यस नेक्स्ट. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सर दिस इज़ अनूप. मेरा सवाल ओझा सर से है. एक्चुअली सर प्रेजेंटली माई एज इज़ 28 ईयर्स एंड आई एम वर्किंग इन बैंकिंग सो इट इज़ क्वाइट हेक्टिक आई मीन फ्रॉम 10 to 7. सो सर डू यू थिंक दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर UPSC बिकॉज आई हैव ओनली 2 attempts लेफ्ट एंड ऑल्सो आई कॉन्ट लीव द जॉब. सो सर प्लीज गाइड अस. बेस कैसा है तुम्हारा बेस? कार चलाना जानते? नो सर. बाइक? बाइक यस. साइकिल? यस. तो अब जब साइकिल चलाते चलाते कभी कभी मोबाइल चेक कर लेते हो कि नहीं? हाँ या ना बताओ. दो में से जो भी ऑप्शन है तुम्हारा. जैसे साइकिल चला रहे हो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है साइकिल पे और तुम साइकिल चला रहे हो और फोन आ गया. तुम देखो जैसे जो लोग कार चला रहे हैं. यस वी डू सर. हाँ यू डू जनरली वी डू इट कि व्हेन वी डेवलप अ कमांड ऑन सर्टेन थिंग्स. एक अटेम्प्ट में निकाला तुम्हारे पास 2 है. तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पास 2 है. अब कैसे? अब देखो कितनी मतलब वो सारी बातें वो कहा है इन्होंने कहा कि एक तो फाउंडेशन. मैंने शुरू में आपने शायद गौर नहीं किया मैंने ये कहा कि IAS का एग्जाम बहुत ईजी है. मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था. मैंने कहा इस क्वेश्चन पे मैं आपको इनाम दूंगा. आप में से अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि सिंधिया ने होलकर से ही दुश्मनी क्यों की और ना आप में से किसी ने पूछा. मैं बताता हूं और इनाम का क्वेश्चन है सर. हाँ जी बताएं. सर मैंने आई थिंक कहीं पढ़ा था वो पानीपत से होलकर भाग के आए थे मतलब विश्वास राव को छोड़ के आए थे शायद. ये पढ़ा था मैंने शायद. अच्छा। ये रीज़न हो सकता है. ठीक ठीक. और कोई? अब देखिए यही सोचने की बात है. ग्वालियर और इंदौर मालवा को जो रीजन है ना वो ओपियम कल्टीवेशन के लिए बहुत फेमस है. अफीम. ईस्ट इंडिया कंपनी उस अफीम को सबसे ज्यादा बेच रही थी चाइना में. जैसे आज तेल अमेरिका के लिए है ऐसे अफीम थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए. इनके पास इतना सोना नहीं था और चीनी जो थे चाइनीज ये किसी भी अपने गुड्स को सिर्फ सोने में बेचते थे. सोने के अलावा किसी में देते ही नहीं थे. कहते थे सोना लाओ कुछ और किसी में देना ही नहीं और इनको अपना सोना बचाना है. तो फिर धीरे धीरे इन्होंने चीन में अफीम का व्यापार शुरू किया. लोग वहां के इसीलिए चीन की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे उसमें ओपियम वॉर शब्द आएगा आपके पास. और ये मालवा और का जो रीजन है ये कितनी सारी नदियां बेन बेतवा केन ये सारी नदियों का इलाका फर्टाइल लैंड हाईलैंड. यहाँ का टेम्परेचर बड़ा प्यारा है. थोड़ा सा हाईलैंड है तो टेम्परेचर जो है थोड़ा सा नॉर्मल है. ओपियम पैदा होने के लिए बड़ा सूटेबल है. तो अब जिसका भी मालवा पे कब्जा होगा उसका ओपियम की खेती पे कब्जा होगा और जिसका भी ओपियम की खेती पे कब्जा होगा उसके पास पैसा ज्यादा आएगा. आप मैंने क्या कहा? आपने शायद मैंने जितनी बातें जो आपसे कही हैं सर जोड़ो सर दिमाग का इस्तेमाल करो. ये दिमाग किसी के में लगाने के लिए बिल्कुल नहीं मिला. दुनिया का सबसे बड़ा कुफ्र है इस्लाम के जो सिद्धांत हैं बेसिकली वो लगभग सारे धर्मों के सिद्धांत हैं. काफिर अकबर ने सवाल किया अपने गुरु से अब्दुल लतीफ से काफिर कौन. उसने कहा नमाज पढ़ोगे जब तो जो नमाज पढ़ना असर की पढ़ना फजर की पढ़ना जब भी पढ़ना पांचों में से मुझे बताना. नमाज पढ़ के मेरे पास आना सीधे तब मैं बताऊंगा काफिर कौन. तो लड़का सुबह का तो नहीं पढ़ पाया तो शाम की जब नमाज उसने अदा की तो अपने गुरु से मिलने गया. कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं. बोले कायदे से पढ़ी? बोले हाँ.
तो बोले ईमानदारी से बताना कि जब नमाज सजदा कर रहे थे तो सिर्फ मालिक का ख्याल था? उसने कहा ये ना पूछे, ये ना बता पाऊंगा। बोले नहीं बताना पड़ेगा, तभी मैं तुमको जवाब दूंगा। तो ना ख्याल तो मेरा मीना बाजार का था कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहां घूम रही होंगी और मैं भी चला जाऊं वहीं। तो अब्दुल लफ्क लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है वो काफिर है। गुम जीवन संसार में तो रहना है। अब्दुल लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है, अफाक आप सजदा करने गए, मेरे दोस्त ने दानिश फिरोज शमसी जुमे की नमाज पढ़ने आ रहे थे, 5 मिनट रुको आ रहा हूँ। मैं कहता जा ही क्यों रहे हो, तुम मालिक के पास जा रहे हो सजदा करने, जल्दी में क्यों जा रहे हो? हम प्रधानमंत्री से मिलने गए, अब मैं निकलूंगा उसकी ही मर्जी से क्योंकि वो मालिक है देश। मैं उससे ये थोड़ी कह सकता हूँ मैं जा रहा हूँ भाई साहब। वो कह के बैठे हो मारे बैठ मास्टर, कहाँ जा रहा है? जब तुम मालिक से मिलने जा रहे हो, नमाज पढ़ने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सर ये देखो 1000 रुपये का फ़ोन लेके चलते हैं क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। काफिर ज़्यादा हो गए किसकी वजह से? फेसबुक की वजह से। काफिर ज्यादा हो, ये दुनिया में जो आप उथल पुथल देख रहे हो किसकी वजह से? काफिर, काफिर का मतलब क्या? जिसका दिमाग मालिक के साथ भी नहीं एक है। कम से कम आप किसी बड़े आदमी के सामने बैठे तो उसके ऊपर ध्यान लगाइए। आप नमाज पढ़ने के धीरे से मोबाइल निकाल के देख रहे हैं, अगल बगल आप देख रहे हो कोई देख तो रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? आप देखिए मेरी वाइफ के पास 1 लाख रुपए का फोन, कहती है अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा सवाल अच्छे का नहीं है, सवाल दिमाग का है, बात ही तो करनी है। आपके पास 2 अटेम्प्ट है सर जी, एनसी आप पढ़िए बैंक में, कोई बात नहीं। आप हमें हमारा जो एक प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, इकरा शुरू करेगी, वो जो टेस्ट सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं 60 टेस्ट 60, 1000 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, हिस्ट्री में 1000, पूरी हिस्ट्री आपको क्लास में रिपीट कराएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन देकर डिस्कस कराएंगे। और इन्होंने क्या कहा, जब आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन के चारों तरफ भी देख ही लीजिए। तो हमने इसमें लिखा है बुक में, बुकलेट में आपने देखा होगा 1:4 का फॉर्मूला। हम एक क्वेश्चन नहीं करेंगे, इन्होंने कहा कि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप की देखते हो, की में तो सिर्फ एक आंसर दिया है ना, तो आप उसके अगल बगल की चीजों से बच गए। हम यहां वही करेंगे, हम उस एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अगल बगल जितनी भी चीजें, हमने यहां बुद्ध की प्रतिमा लगाई इसलिए नहीं कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहां इतने महान लोगों की फोटो लगी हुई है, एक और रख दी हमने। आपने गौर किया, आपने में से किसी ने नहीं पूछा कि साहब ये बताइए आप तीनों में से बुद्धिस्ट कौन है? हमने जानते क्यों लगाई, क्योंकि ये दुनिया का पहला पैगंबर है जो रैशनलिज्म की बात करता है, ये दुनिया का पहला पैगंबर है रैशनलिज्म। आदमी है मुझे अल्लाह है कि नहीं है, क्या करोगे जान के? प्रॉब्लम बताओ, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, हाँ ये बोलो ना चले आए, वो है या नहीं है तो एक अलग सवाल है। इतनी बड़ी कायनात, इनामदार साहब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे, उनको हटा दो ये चलेगा? तो ये तो सवाल ही नहीं कि हम उस पर चर्चा करें। इनामदार साहब हैं, मालिक है यहाँ के, राजा हैं यहाँ, चला रहे ना, मैनेजमेंट कर रहे ना, कितना बड़ा काम कर रहे। आप कह रहे आप बताओ इनामदार साहब दुनिया है कि नहीं है? भाई इतनी बड़ी चीज कैसे चलेगी, कोई तो चलाएगा, उस पर तो सवाल ही नहीं। लेकिन पहले आप ये देखो क्यों ढूंढ रहे हो? सर हम चाहते हैं मेरा लड़का डॉक्टर हो जाए, तो उसको क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं वो आशीर्वाद, आशीर्वाद सबको देता है दुनिया, आप एक अपराधी से नफरत करते हो वो नहीं करता, वो सबको हमेशा देता रहता है। लेकिन कौन ले रहा है ये तो फर्क, ये सबसे बड़ी चीज, ले कौन रहा?
उमर साहब, कैलिफ उमर, उमर कैलिफ, बगदाद के कैलिफ। अभी सर ने हमारे कहा आज के हालात, गांव का प्रधान पिजारो से चल रहा है, बुलारो से चल रहा है, फॉर्चुनर से चल रहा है, कैलिफ उमर, बगदाद के कैलिफ। ईद मनाने का पैसा नहीं, अपने खजानजी से कहते हैं कि यार कुछ पैसे दे दो, बच्चों के लिए कपड़े ले लूं, अगले महीने की तनख्वाह में वापस कर दूंगा। खजानजी और तेज था, उसने कहा लिख के गारंटी दे दो कि अगले महीने जिंदा रहोगे। जब वैसे राजा थे तो लोग खुश थे, और इस देश में हालात बनाए किसने? हमने। डेमोक्रेसी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। अगर आपको अभी पता चल जाए कि मेरे ऊपर हत्या के 20 केस चल रहे, आप सब उठ के चले जाओगे, इस आदमी से कुछ सुनना ही नहीं। आप जब मेरे क्लास, मेरे सामने से उठ के जा रहे हो कि हत्यारा है, हम इससे कुछ नहीं सुनेंगे। सर ऐसे आदमी को संसद में क्यों बिठाते हो? हाथ में तो आपसे आके कह देता है मुसलमान खतरे में है, मैं बचाऊंगा। आपसे आके कह देता है मंदिर बनाने जा रहे, बनाओ भाई मंदिर, मस्जिद में कोई दिक्कत, बना लो भैया, बना लो, हम कहां मना करें, एकदम बनाइए सर, हमें तो उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। लेकिन ये बताओ सर, हमारे बच्चों को नौकरी कैसे दिलाओगे? मंदिर बना लो, नीचे मंदिर बना लो, ऊपर मस्जिद बना लो, फिर ऊपर गिरजा घर बना लो, सब बना लो सर, मेरी जमीन में बना लो सर। लेकिन सर ये बता दो कि हमारे ये जो बच्चा एमसीए करके बैठा है, 4 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, इसको नौकरी कैसे दोगे सर? ये तो आप पूछते नहीं नेताओं से। फिर आप कहते हो हालात, अब इस देश के हालात को आप ही लोग बदलोगे, फिर आपकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, फिर उसमें से आप में से कोई निकलेगा सैफिन द ग्रेट, समझदार आदमी। तो वो जो हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे कोई वीकेंड का प्रोग्राम है, उसका पूरा मोटिव यही है कि हम 4-5 महीने में आपको पूरी चीज़ रिवाइज करा दें, पढ़ा दें और रिवाइज करा दें। तो वो इस इकरा को यहाँ आने का सबसे मेन थी, यहाँ कोचिंगें बहुत हैं, टीचर बहुत हैं और सब अच्छे हैं, ना तो कोई टीचर बुरा होता है ना कोई कोचिंग बुरी होती है। तो साहब आप लोग क्यों आए? हम खेलने नहीं आए सर, और ना खेलने सिखाने आए हैं, हम जीतने का सिद्धांत जानते हैं सर। खिलाड़ी तो यहाँ बहुत है, कोच यहाँ बहुत है, हम सर जानते हैं जीतने का फॉर्मूला। वो आपसे शेयर करने आए, इन्होंने कहा ना कंसोलिडेशन, आपने ध्यान नहीं दिया होगा उस शब्द पे। 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, जनाब ने पीछे से क्वेश्चन किया था, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल पे कब्जा, हड़बड़ाई नहीं, पहले बंगाल पे कंसोलिडेट किया, सी इज इक्वल टू सी, कॉन्क्वेस्ट इज इक्वल टू कंसोलिडेशन। मराठा खाए जा रहे, खाए जा रहे, 2 किलो चिकन खा गए, 3 किलो मटन खा गए, खाए जा रहे, भाई हजम भी तो कर ले। फिर बोले डिसेंट्री हो गई, होनी थी, अंग्रेजों ने खाया, हजम किया, जिम गए, एक्सरसाइज किया, 100 साल में पूरे देश पे कब्जा कर लिया। इसलिए मैंने आपसे शुरू ही किया यहां से बोलने के लिए। पहली चीज मैंने आपसे कहा कहानियां हैं, समझना है, दूसरी चीज मैंने आपसे कहा दिशा, डायरेक्शन, सारा खेल डायरेक्शन, तीसरी बात मैंने आपसे कहा लड़ना है, मजा लो लड़ाई का, रो नहीं सकते, रो नहीं सकते, आप रो नहीं सकते। जिसको भी लड़ाई का मजा आ गया, मेरे मामा जी ने मुझसे कहा अरे बड़े बड़े सपने देख रहे हो, कुछ नहीं करोगे, एक दुकान खोल लो गांव में, खाओगे नहीं तो भूखों मरोगे। मैंने कहा भूखों नहीं मरेंगे, आपका जो धन है उसको लूटेंगे, पर ऐसी बातें मत कहा करो। फिर उन्होंने मेरी माता जी से कहा बहुत बदतमीज लड़का है। सर बदतमीजी आप कर रहे हैं, एक तो आप अपने आप को मेरा अपना कहते हैं, माँ प्लस माँ जिसमें 2 माँ लगा हुआ है,
जो डबल माँ लिए हुए वो अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर सकता है? आप ये कहो कि बेटा और मेहनत करो, उठो, आगे बढ़ो, ऐसे नहीं होगा। आप करो कुछ नहीं करवाओगे, दुकान खोल लो। तो जब आपने शुरुआत की तो मैंने आपको जवाब दिया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। तो पूरा ये खेल है सर, ये सिर्फ एक खेल है। मतलब लास्ट में इन्होंने जो कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप गरीब होके पैसा नहीं कमा सकते तो आप धीरू भाई अंबानी को नहीं जानते, क्या बात है। आप क्यों सोचते हैं सर ऐसा? इन्होंने कहा क्या मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन? ये फैजल साहब खड़े मेरे घर में जाते हैं, मैं अपने घर से बेघर हूं, मेरे घर में मेरा बर्तन अलग है। अब ब्राह्मण घर में गलती से पैदा हो गया, वो कहीं अफगानिस्तान वगैरह में पैदा होना चाहिए था मुझे, और गोश्त का मैं शौकीन हूं, तो उन्होंने मेरे बर्तन अलग कर रखे। मेरी माता जी आती चेक करती कि कहीं इसमें ना खा ले। ये कोई कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, किस बात की? और जो डिस्क्रिमिनेशन करता है, आप पूछिए सामने बैठे, मैं अपने स्टूडेंटों से कहता हूं मुझसे दो बात कभी मत बताना, एक अपना नाम और एक तुम्हारे फादर क्या करते हैं। कुछ भी करते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है सबको हेल्प करना। आपके फादर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो भी मैं करूंगा, आपके फादर चपरासी हैं तो भी मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। तो आप ठीक है। और फिर लास्ट अंतिम बात, आप जो है एवरेस्ट पे चढ़ने चाहते हो कि वहां से चढ़ के ऊंचाई से दुनिया देखेंगे, मजा लेंगे, लेकिन सर हर मजे के साथ एक खतरा है। तो एवरेस्ट में चढ़ने पर एवलॉन्च का खतरा है। आप कह रहे साहब हम खतरा नहीं लेंगे, तो अरावली पे चढ़ जाओ। कौन बोला सपना देखने के लिए आपको? आप सपना भी देखते हो, हमारा काम क्या है? हम ये नहीं कहने आए अरे भैया कोई दर्द नहीं होगा, हम आपको आईएएस बनाने आए, ऐसे उल्टी सीधी बातें हम नहीं करने आए। दर्द होगा, हम पता है क्या बताएंगे आपको कि इस दर्द का मजा कैसे लेना है। आपको सब दर्द हो रहा है, उठो आओ नाचे, बस नाचते नाचते हो जाएगा आपका काम। और यही काम है कोच का, यही काम है कोचिंग का। मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा। और लास्टली मैं चाहूंगा कि हमारी एक टीम है पुणे की,